वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं एक गुड न्यूज़ वर्क वीज़ा वालों के लिए जो यहाँ पे हैं और जो आने वाले हैं वर्क वीज़ा पे। उन सब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो 20 आवर्स की जो वर्क रिस्ट्रिक्शन थी ना, उनके जो BRP के ऊपर लिखा होता था कि वो जो उनको 20 आवर्स अलाउड थे तो वो अपनी ही फील्ड में कर सकते थे, वो ख़त्म होने लगी है। मतलब जॉब उनको 20 आवर्स अलाउड थे, वो कोई भी जॉब कर सकते हैं उन 20 आवर्स में। आप सिक्योरिटी भी कर सकते हो, आप कोई भी जॉब कर सकते हो। और ये 4 तारीख से रोल आएगा, मतलब आज से होपफुली लागू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उनके लिए जो वर्क वीज़ा पे आ रहे थे, कि जब भी उनको BRP मिलता था पहले तो उसके ऊपर लिखा होता था 20 आवर्स रिस्ट्रिक्टेड। तो जो सा वो रिस्ट्रिक्टेड है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज से यहाँ पे शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो लिस्ट थी वो ख़त्म होने लगी है। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर बहुत सी आसानियां हो जाएंगी लोगों के लिए जो वर्क वीज़ा पे आए हुए थे। यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग वर्क वीज़ा बाय कर लेते हैं और फिर वो उसका टैक्स पे करते रहते हैं 5 साल तक, और जब उनको रिस्ट्रिक्शन होती है वर्क में तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए चीज़ों को मैनेज करना। तो मतलब ये था कि अब उनके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी, वो भी आके कोई और जॉब ढूंढ सकेंगे, और काफ़ी हद तक ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आके, जिस तरह स्टूडेंट यहाँ पे अपना पहला साल गुजारता है, तो वो भी अपना टाइम ऐसे स्पेंड करेंगे अपने 5 साल का और कम्प्लीट, मतलब 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करके ILR के लिए अप्लाई कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक जो जो वर्क वीज़ा पर है यहाँ पे, स्किल वर्क वीज़ा पे जो तो जो आ रहे हैं, तो ये बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है। लेट्स सी क्या बनता है, आज से इसमें इम्प्लीमेंट होना है, देखो आप ठीक है या नहीं ये पता चलेगा। पहले इस तरह होता था कि जब भी कोई बंदा अपना वीज़ा चेंज करवाता था ना स्किल वर्क वीज़ा के अंदर, तो उसके जो से स्कॉटी का बैज है वो कैंसिल कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस बंदे के पास स्कॉटी का बैज है वो एज इट इज रहेगा, एक अच्छी बात है, क्योंकि स्कॉटी के अंदर अच्छा पैसा बन जाता है। अगर किसी के पास कोई अच्छी कंपनी है और काम करने वाले अच्छे मिले हुए जिनके साथ वो काम कर रहा है, तो स्कॉटी के अंदर अच्छा पैसा बन जाता है। तो इसी तरह अब वो उनका वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो स्कॉटी कर सकेंगे, ये स्किल वर्क वीज़ा वालों के लिए अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी मतलब इनको किसी भी कहीं भी कोई जॉब कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोफल के वीज़े पे आया है, 60 में है, साइंस करी है, तो वो कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह पे भी कर सकते हैं। मरीज उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन है फॉर 20 आवर्स, एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने उस काम के अलावा भी, वो आपको 40 आवर्स अलाउड होते हैं और उसके अलावा 20 और जॉन्स हैं, ये तो आपको एक प्रॉपर फुली हर चीज़ के लिए अलाउड है। वैसे UK एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रूल्स को चेंज होते कुछ पता नहीं चलता, कि अभी रूल्स कुछ हैं कल को कुछ और हो जाए। जिस तरह अभी 5 साल बाद ILR देते हैं, क्या पता कुछ दिनों में आए कि 10 साल कर दें। तो यहाँ पे रूल्स को चेंज होते कुछ नहीं पता चलता, वो कोई नया उठता है वो अपने पेश करता है और वो अगर हो जाए ओके तो लो जी चेंज हो गए रूल। तो यहाँ पे रूल्स बदलने का कुछ नहीं पता चलता, बाकी है कि फॉर द बेस्ट क्या बनता है क्या नहीं बनता ये देखा जाएगा। और आने वाले सब स्किल्ड वर्क वीज़ा वालों के लिए ही बेस्ट ऑफ लक होते होते रहें। तब पर हम बात बारी पर देखते हैं कि किस तरह से काफी।